इसका मतलब चूहे आए नहीं बल्कि लाए गए। ये क्या है मम्मा? कुछ नहीं पुत्र जी, आप अंदर जाके पापा और करण का ख्याल रखो। बहर मम्मा शूशटाक आज शाम तक इस शैतान भूत को सबके सामने लाकर रहेगी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? इतनी बेसिक समझ नहीं तुम लोगों में? ऐसे पोस्टर लगा के ढूंढना होता ना उसे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता, उसको ढूंढने का ऐलान कर देता। ये लो, सरबजीत सिंगल एक पॉलिटिशियन। मैं नहीं चाहता कि इस सब की वजह से उसकी पॉलिटिकल इमेज पर कोई दाग लगे, इसके फ्यूचर पर कोई फर्क पड़े। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम लोगों को? रिमेंबर वन थिंग, हमें उन लोगों को बहुत सीक्रेटली ढूंढना है। वी जी, आपने यहां से किसी को भागते हुए देखा? वी जी, आपने किसी को यहां से भागते हुए देखा क्या? नहीं। विशाल, अगर आज इस भूत को नहीं पकड़ा तो परम इस घर में टिकने नहीं वाला। क्या करूं? पिच्छू बूटी, अब ये भूत जल्दी पकड़े जाएंगे। वो आंटी थोड़ी देर में घर के पीछे से भागती हुई आएगी और इस गटर में फंस जाएंगी। पर मांटू बॉस, वो आंटी इसमें फंसेंगी कैसे? हम लोग यहाँ एक बॉटल फोड़ेंगे। अब ये सामने के दरवाजे से अंदर आके दिखाए। अब देखती हूँ ये भूत कैसे मेरे हाथों से बच के जाता है। बस पुत्र जी, समझो काम हो गया। अब हम में से कोई भी इस घर के बाहर नहीं निकले, और देखना खुद भूत बाहर निकल कर चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ। सच्ची मैन मम्मा। बुच्ची। अच्छा, ऐसा क्या करने वाली हैं? मैं देखता हूँ। सरबजीत जी, आप रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। परम, नहीं, वहां आगे नहीं जाना। पीछे से चलो। ये सूखी घास कल तक तो यहां नहीं थी। नेक्स्ट प्लान के लिए आगे वाले दरवाजे के पास चलो। ये पटाखों की लड़ी को जलाकर घर के अंदर फेंकना। बस काउंट करो। थ्री, टू, वन। हे भगवान! बच्चे जो जिद हमें पार्क में मिले थे। खुजली, जल्दी ठीक करिए, जल्दी ठीक करिए, बचाओ। अब आए ना मजा। बच्चों, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा था ये शैतानी किसी बड़े की है। आप लोग अभी यही रुको, मैं अभी आई।
जी, कौन बच्चे चिल्ला रहे? सरब जी जी, आपको उठने की कोई जरूरत नहीं, आप चुपचाप यही बैठिए। क्या हुआ? पापा, मैं मम्मा और आप सही कहते थे, कोई भूत भूत नहीं होते, पार्क वाले बच्चे हैं पापा, जिन्होंने हमारा नेस्ट नहीं तोड़ा था, वही हमें जो डरा रहा है। एक मिनट आंटी, जल्दी ठीक करो। हाँ हाँ, बस कर रही हूँ आंटी, जल्दी ठीक करो। ये टूटने लगाने से आराम मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। I'm sorry. दो मिनट। आंटी मुझे भी लगा दो। क्यों करी आप सबने इतनी शैतानी? हाँ, अब लग गई ना बिच्छू बट्टी। आंटी, बिच्छू बट्टी तो हमें लगी, आप क्यों रो रहे हो? दर्द किसी भी बच्चे को माँ के आंसू निकल ही आते हैं। माँओं के लिए सारे बच्चे नहीं इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन हमारी तो मम्मा ही नहीं, ना कोई बाप, ना कोई घर है। आप सब लोग मेरे पीफोर पनन के फ्रेंड क्यों नहीं बन जाते? ओके पारा? ओके मैं मम्मा। ओए, कोई इससे दोस्ती नहीं करेगा, आई समझ? ये हमारे खेलने कूदने का आटा है, शाम तक खाली हो जाना चाहिए। काम धंधे का टाइम हो गया है, पैसे पूसे नहीं कमाने। चलो जी जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? क्यों मैच? जो लोग रोज काम पे जाते हैं उनका दिमाग खराब होता है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं भी बिल्कुल सीरियस हूं। जी सरब जी जी, आप मैच जी प्लीज, मुझे काम पे जाना ही होगा। देखिए वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो आप कहीं नहीं जाएंगे, बात खत्म। मैच जी प्लीज, आप जिद क्यों कर रही हैं? जिद मैं नहीं, आप कर रहे हैं। कमाल है, अगर मैं काम पे नहीं गया तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आए तो खाना कहाँ से आएगा? सब हो जाएगा, घर बैठे बैठे जादू मंत्र होगा ना। अब बात को समझ क्यों नहीं रहे? समझ मैं नहीं रहा हूँ, आप नहीं समझ रही। सरब जी जी, आपने अपनी पीठ की हालत देखी? फिर से और वजन उठा लिया और दर्द हो गया फिर? तो आप क्या चाहती हैं? मैं घर पे बैठा रहा हूँ? नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि आज के लिए आप आराम कीजिए, कल से जो करना है करिएगा। ये बहुत अच्छा है, आप एक टांग पे खड़ी होकर पूरा घर संभाले, लेकिन मैं बाहर का काम नहीं कर सकता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या? लेकिन इस हालत में हरगिज नहीं। मैं जी प्लीज, कुर्ता दे दीजिए। मैं जी सीरियसली, कुछ नहीं होगा मुझे। लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन मैं लेना चाहता हूँ मैं जी, मेरे बीवी और बच्चों का सवाल है, उनका पेट भरना है मुझे। अगर घर पे बैठा रहा तो रात को खाना कहाँ से आएगा, इसलिए मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ। आप प्लीज जिद मत कीजिए, कुर्ता दीजिए मुझे। मैं
मेरे सरदार जी मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही कहा था ना अपने मम्मी जी से। मेहर जी ये मेरी चिंता है, प्लीज ये छोड़िए। आप पता नहीं कहां की बात को कहां लेकर जा रहे हैं। क्योंकि आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, बस जिद जिद जिद। जिद मैं नहीं आप पड़े हुए हैं। अड़ा हुआ मैं, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी फैमिली को दो वक्त की रोटी ना कमा के दे सकते। सरबजी जी मैंने आपको काम करने से मना नहीं किया, मैं बस कह रही हूँ कि आप आज के लिए आराम कर लीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगा था हमेशा की तरह हम हर मुश्किल में साथ में, लेकिन शायद मैं गलत थी। मैं जी हम जिस हाल में है ना, हमें रोज कुआं खोद के पानी निकालना होगा, और अगर आज मैं काम पे नहीं गया तो पैसे कहाँ से आएंगे। पापा टायर को भी अभी पंचर होना। ओए काके, ऐसे कोई पंचर वाली दुकान है क्या? है ना, राजू पंचर वाला। लो हो गया। शाबाश मंटू, ऐसे ही ग्राहक लाते रहे और पैसे कमाते रहे। तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए बांट लेना। एक मिनट, ध्यान से देखो, कहीं देखा इन बच्चों को? तुम ही देखो। हेलो विक्रम साहब। ओ मेरी कुड़ी का कुछ पता चला? अभी कुछ नहीं पता लगा, लेकिन जैसे ही पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा। भाई साहब वो बच्चे थे यहाँ पर, कहाँ गए? सर पता नहीं कहाँ चले गए। परमपुत्र, नए दोस्त बनाने में वक्त लगता है, आप ऐसे उदास मत हो। आपको याद है स्कूल में पहले रिकी भी आपसे बात नहीं करता था, फिर एक दिन अचानक से आप दोनों की बात शुरू हो गई और आप दोस्त बन गए। देखना वक्त आने पर ये चारों बच्चे भी आपके दोस्त बन जाएंगे। परम पुत्र इतने कम पानी में काम नहीं चलेगा, अब घर से बाल्टी ले आओगे प्लीज? ओके मैम। मम्मा थैंक यू। सरबजी जी मैंने आपको काम करने से मना नहीं किया, मैं बस कह रही हूँ कि आप आज के लिए आराम कर लीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगा था हमेशा की तरह हम हर मुश्किल में साथ में, लेकिन शायद मैं गलत थी। मैं जी हम जिस हाल में है ना, हमें रोज कुआं खोद के पानी निकालना होगा, और अगर आज मैं काम पे नहीं गया तो पैसे कहाँ से आएंगे। अरे जल्दी कर, 100 साल लगाएगी क्या? हाँ कर रही हूँ बस। ठीक है मैं जी नहीं जाऊंगा काम पे, ना मैं इज्जत कर रहा था और ना आप। जानता हूँ आपको मेरी फिक्र थी, लेकिन मुझे आपकी और बच्चों की।
जा रही है, अब परम इससे मम्मा के पास लेकर कैसे जाएगा? परम पुत्र, ये बाल्टी पापा मम्मा के पास ले जाएं। आप यहीं रुकना करण के पास। करण अकेला है ना, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ओके। करण बेबी का दूध फिनिश हो गया। कोई गल नहीं, आपके पैन भैया है ना, पैन भैया इसमें सूसटा दूध डाल देगा। ओके। दूध तो खत्म हो गया, पापा भी नहीं है और मम्मा भी नहीं है, अब हम क्या करें? मैं मम्मा तो काम कर रही हूँ और पापा मैं मम्मा की मदद करने गए, इसके लिए करें क्या हेल्प? पर हमको ही करनी पड़ेगी, वैसे भी पापा को कोई हुई हुई ना, कोई करनी अपने छोटू ब्रदर के लिए परम दूध लाएगा। आप यही रुकना करण के पास, करण अकेला है ना, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। पापा ने कहा था कि करण को अकेला मत छोड़ो, करण बेबी आप भी पैम भैया के साथ चलो। ओके। पर आपको मैं कैसे लेके जाऊं? ये ले दूध, ले ले, 17 रुपए निकाल। 17 कितने होते हैं अंकल? फटे मुंह अंग्रेज दे पुत्र, 17 मतलब 17। लेकिन पैन के पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है तो दूध भी नहीं है, चल भाग यहाँ से। ₹20। बड़े चंगे संस्कार है तेरे पुत्र, रब तेनु खुश रखे। लेकिन बहन क्या करे, पैसे कहाँ से लाए?